हम लोग कुछ कन्वर्जन देखेंगे इस वीडियो में, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल कन्वर्जन होते हैं। जैसे आप 90 माइनस थीटा के सारे प्रॉपर्टीज देखते हो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, या 90 प्लस थीटा क्या होता है, टेन 90 या 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा क्या होता है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ये कन्वर्जन होते कैसे हैं, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा देखेंगे कि उसके पीछे क्या लॉजिक होती है, उसको याद रखना कम से कम। तो उसके लिए बेसिक देखते हैं हम लोग। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो पूरा प्लेन है हमारा, इस प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है इन दोनों लाइनों के द्वारा, जो दोनों लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हम कहते हैं ये रिफरेंस लाइन है हमारी, ये हमारी रिफरेंस लाइन है। रिफरेंस लाइन का मतलब कि सारे एंगल इसी लाइन से मेजर किए जाएंगे। मतलब ये लाइन खुद से कितना डिग्री एंगल बना रही है, 0 डिग्री एंगल बना रही है। तो हम लोग कहते हैं ये लाइन जो है आपकी है 0 डिग्री एंगल बना रही है। अब जो ये वाली लाइन है आपकी, ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ये रिफरेंस लाइन से 90 डिग्री एंगल बना रही है। और जो ये अपोजिट रे है, ये 180 डिग्री एंगल बना रही है। और जो ये लाइन है, ये 270 डिग्री बना रही है रिफरेंस लाइन से। ठीक है, वापस जब 90 डिग्री और हम आएंगे तो ये 0 डिग्री और 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो ये रे है हमारी, ब्लू हम कह सकते हैं, ठीक है, या एक्वा कह सकते हैं कलर, ये लाइन आपकी कितना एंगल बना रही है। तो इन जनरल अगर बात करें हम, तो अगर हम पूरा रोटेट करते हैं रिफरेंस लाइन से, अगर हम पूरा रोटेट करते तो जो ये एंगल आपका है ये 90 डिग्री होता। लेकिन चूंकि हम आगे निकल गए, और अगर हम थीटा पीछे आए, ट्रांसवर्स करें बैक, थीटा अगर पीछे आते हैं, ये अमाउंट हमने कह दिया थीटा है, ये माइनस थीटा कंसीडर किया जाएगा। क्यों माइनस थीटा कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये जो थीटा मेजर किया गया है ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज क्या होता है आपका एंगल निगेटिव होता है। तो जो हमारा टोटल एंगल है वो कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल है, जो ये लाइन रिफरेंस लाइन से बना रही है। तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां पे अगर आप ये सपोज 90 आपका है और थीटा आप और रोटेट कर गए, थीटा जब आप और रोटेट कर जाओगे, ये सपोज ये एंगल आपका थीटा है और ये आपका 90 है। कोई हमसे अगर ये पूछे कि ये पूरा एंगल कितना होगा, इस रिफरेंस लाइन से जो ये रे है वो कितना एंगल बना रही है, तो दोनों ही सेम सेंस में मेजर किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 90 प्लस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 90 प्लस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। या इसी एंगल को कवर किया जा सकता है, अगर हम इस तरह से ना कवर करें, सेम एंगल को हम कैसे कवर कर सकते हैं, अगर हम मान लीजिए इस रिफरेंस लाइन से हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर जाते हैं, ये आपका कितना एंगल है 180 डिग्री, लेकिन हम तो आगे निकल गए। और अगर हम लोग कुछ थीटा पीछे आ जाते हैं यहां से, तो ये एंगल जो हुआ आपका, हम उसी लाइन पे आ गए, वो ये थीटा, ये एंगल सपोज कितना है हमारा थीटा है, ये पूरा आपका 180 है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल आपका जो हो गया, जो ये लाइन बना रही है, रे बना रही है जो एक्वा कलर की है, वो 180 माइनस थीटा हुआ। तो 180 माइनस थीटा भी हमारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हम लोगों ने देखा कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है वो क्या हो गया, 90 प्लस थीटा भी हो सकता है और 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, तो जैसे भी सोच रहे हैं। इसका होता 90 प्लस थीटा होता 90 से थोड़ा
ज्यादा 90 प्लस थीटा, तो जाहिर सी बात है सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, या यूं कहें 180 से थोड़ा कम, थीटा कम, तब भी वो क्या होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। सिमिलरली हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये 180, इतना तो आपका 180 है, और आप थोड़ा थीटा और मूव कर जाओ, थीटा और मूव कर जाओगे तो सपोज थीटा, ये एंगल थीटा है, तो अगर इतना और मूव कर जाएंगे, सपोज ये एंगल हमने कितना कहा थीटा है, तो आपका कितना हो गया, ये टोटल एंगल जो आपका हो गया, ये टोटल जो एंगल हो गया आपका, ये 180 प्लस क्या हो गया थीटा हो गया, तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। या हम लोग इसी को कह सकते हैं कि पूरा 270, हम 270 मूव कर गए, और 270 मूव करके वापस कितना आ गए, हम वापस रिटर्न हो गए थीटा, इसका मतलब 180 प्लस थीटा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाएगा, या फिर 270 माइनस थीटा, ये दोनों ही एंगल हम क्या कहेंगे, 270 आपका यहां रहा, तो 270 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, ये दोनों के दोनों एंगल आपके थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल बोले जाएंगे। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, अगर हम यहां रिफरेंस लाइन से चलते हैं और ये आपका हो गया 270 डिग्री, और इतना थीटा और मूव करते हैं, ये आपका हो गया थीटा, ये हो गया 270, तो टोटल एंगल आपका कितना हो गया 270 प्लस थीटा, मतलब जो ये रिफरेंस लाइन से एंगल बना रही है हमारी एक्वा लाइन, ये एंगल हो गया आपका 270 प्लस थीटा, और ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब कि ये हो गया आपका 270, तो 270 प्लस थीटा दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा। या हम लोग इसी चीज को कैसे सोच सकते हैं कि हम पूरा रोटेट कर जाते हैं, और पूरा जब आप रोटेट कर जाते हैं तो कितना रोटेट कर दिया आपने, 360 डिग्री, और 360 डिग्री रोटेट करके आप थोड़ा रिटर्न बैक हो जाते, कितना अमाउंट, सपोज इस बार थीटा ये है, इसका मतलब जो ये एंगल बचा वो कितना हो गया, 360 आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, लेकिन थीटा बैक आ गया, मतलब क्लॉकवाइज, तो 360 माइनस थीटा आपका क्या हो गया, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, तो ये दोनों ही एंगल पेयर फोर्थ क्वाड्रेंट के हो जाएंगे। तो अगर हम लोग रिवाइज करें तो क्या देख रहे थे, हम लोग देखा था कि अगर आपका थीटा है थीटा, या फिर 90 माइनस थीटा, ये दोनों ही हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेंगे, व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ थीटा, और 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, ये दोनों ही सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल हो गए। इसी तरह से 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, ये दोनों ही आपके थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल हो गए, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये दोनों ही एंगल, दोनों टाइप के एंगल आपके 360 माइनस थीटा, ये दोनों ही एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के बोले जाएंगे। तो ये जो दोनों पेयर हैं आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हो गए, ये जो दोनों पेयर हैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल हो गए, और ये जो दोनों पेयर हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल हो गए, और ये जो दोनों पेयर हैं ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल हो गए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इनका क्या रोल है, या कन्वर्जन में क्या रोल है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं और इनके कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमें जानना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। अब हम लोगों ने पहले कुछ वीडियोस में देख रखा है कि ये हमने फॉर्मूले से डिराइव कर रखा है, लेकिन उन फॉर्मूलों पे नहीं जाते हैं, इसको क्विक रिस्पॉन्ड करना है हमें। क्विक रिस्पॉन्ड करने का मतलब हमें याद भी नहीं रखना है, कुछ लॉजिक याद रखनी है जिससे हम बता सकें कि ये कन्वर्जन कहाँ होना है। तो यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है ये डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, और ये याद कर लीजिए रूल ए एस टी सी। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है ऑल आर पॉजिटिव,
ए का मतलब होता है आल आर पॉजिटिव, ठीक है। तो आल आर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, चाहे वो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, ठीक है, यही छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक। ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ये छह के छह अगर इस क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होंगे। क्योंकि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो हम लोगों ने देखा था 90 माइनस थीटा इटसेल्फ कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर ये एंगल है तो सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला देखना है तो हम यहाँ पे कहेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरी बात आती है फेस वैल्यू, क्वाड्रेंट से हम डिसाइड कर लेंगे साइन, और दूसरी चीज क्या डिसाइड करेंगे हम, फेस वैल्यू, कि साइन साइन ही रहेगा या साइन का कन्वर्जन होगा। इसके लिए कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, आप जो ये एंगल है आपका, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे 90 हो सकता है, यहाँ पे 180 हो सकता है, यहाँ पे 270 हो सकता है, यहाँ पे 360 हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हमें लेना देना नहीं है, हम सबको 90 से डिवाइड करेंगे, सबको 90 से डिवाइड करेंगे जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, और 90 से डिवाइड करने पे हमारे पास या तो ऑड नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आ रहा है, 90 1 जा 90, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 93 जा 270 ऑड है, तो इन दोनों केसों में ऑड आ रहा है, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो 92 जा 180 होता है, यहाँ पे 94 जा 360 होता है, तो इन दोनों केस में क्या आ रहा है आपका, इवन आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कन्वर्जन कब होगा, कन्वर्जन होगा जब ऑड आएगा, मतलब ऑड सिचुएशंस। आप सोचिए ऑड सिचुएशन में तो अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, तो ये क्यों नहीं बदलेंगे, मतलब ये सब चेंज होंगे, साइन साइन नहीं रहेगा, साइन अगर चेंज होता है तो किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस का कन्वर्जन होता है तो किस में आएगा, साइन में आएगा। इसी तरह से टैन का कन्वर्जन अगर होता है तो टैन कॉट में कन्वर्ट होता है, और ऑफकोर्स कॉट भी किस में कन्वर्ट होगा, टैन में कन्वर्ट होगा। कोसेक जो हमारा है वो सेक में कन्वर्ट होता है, और सेक का कन्वर्जन किस में होता है, कोसेक में होता है, लेकिन ये तब होता है जब कन्वर्जन हो रहा हो, और कन्वर्जन कब होगा, कन्वर्जन हमने बताया कि जब ऑड सिचुएशन हो तभी कन्वर्जन होगा, अदरवाइज कन्वर्जन नहीं हो। इवन सिचुएशन है तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही रहने वाली है, लेकिन जब भी ऑड सिचुएशन होगी, जब भी 90 से डिवाइड करेंगे अगर ऑड नंबर आएगा तो कन्वर्जन होगा। जैसे यहाँ पे है ये 90 है, तो जब इसको हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मतलब यहाँ कन्वर्जन होने वाला है, और कन्वर्जन होने वाला है तो साइन साइन कन्वर्ट हो रहा है, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर इसमें कोई और देखें हम लोग, मान लीजिए हम लोग देखते हैं कॉट, कॉट के लिए अब हमें दो चीज देखनी है, पहली चीज देखनी है साइन, साइन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, दूसरी चीज क्या देखनी है, दूसरी चीज हमें ध्यान देनी है कि इसका कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, दो चीजों का ध्यान देना है। अब कॉट, पहले तो कॉट कौन से एंगल पे ऑपरेट हो रहा है, 90 माइनस थीटा पे, और 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक। और कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 90 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है, 90 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, और 1 एक क्या है आपका, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्जन होगा। तो कॉट अगर कन्वर्ट होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टैन थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली हम लोग क्या देखे, ये जो कॉट 90 माइनस थीटा है उसे क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे बाकी आप करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 90 प्लस थीटा। अब जो 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा के बारे में हम लोगों ने क्या कहा था कि ये तो आपका 90 हो गया, और प्लस थीटा, प्लस थीटा का मतलब थोड़ा और आगे जाइए आप, तो ये हो गया 90 प्लस थीटा, ये थीटा है आपका और ये 90 है, तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 90 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, 90 प्लस थीटा लाइज इन द
सेकेंड क्वाड्रेंट, या हम लोग ऐसे लिख लें रोमन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, यहां पे तो ASTC हमने बताया था, A मतलब ऑल और पॉजिटिव, अब यहां पे क्या होगा STC हमने ये लिखा था, तो S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, जो इसका उल्टा होता है कोसेक, ये दोनों साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक थीटा नहीं, साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और जो बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कुल टोटल छह होते हैं, जिसमें से साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चार के चार निगेटिव होंगे, मतलब अगर साइन 90, साइन की बात करी जाए, चूंकि ये सेकेंड क्वार, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब साइन पॉजिटिव है, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ जो रेस्ट बचे हैं रेस्ट आर निगेटिव, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव हो गया आपका, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस आपका क्या आता है रेस्ट 4 में आता है, ठीक है, रेस्ट 4 में आता है, मतलब ये क्या होगा निगेटिव होगा, टेन, टेन भी रेस्ट 4 में आता है, ये भी निगेटिव होगा, कॉट निगेटिव होगा, कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया निगेटिव। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो साइन है और कोसेक है, जो साइन आपका है ये हम लोग इसका मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट क्या है सेकेंड है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हमने डिसाइड किया था कि जो यहाँ पे एंगल है वो 90 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, यहाँ 90 रहे या ना रहे उसे कोई मतलब नहीं, इसे 90 से डिवाइड करेंगे, और जब 90 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा, और 1 क्या है आपका ऑड है ना, और ऑड सिचुएशन में तो अच्छे लोग चेंज हो जाते हैं, भी चेंज होगा, तो साइन का कन्वर्जन होता है, तो हमने क्या देखा था साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा, साइन कॉस बन जाएगा और थीटा हो जाएगा ये थीटा, ठीक है, इसी तरह से ये भी कन्वर्ट होगा, सबके सब 90 सब में ऑड आने वाला है, 90 से डिवाइड करेंगे तो सबके कन्वर्जन होंगे, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, रेस्ट ऑफ आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें फिर वही है 270 माइनस थीटा है, 270 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि आप 270 गए और वापस आ गए, कितना थीटा वापस आ गए, गए कितना थे 270, तो ये एंगल आपका कितना हुआ 270 माइनस थीटा, तो ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हम लोगों ने अभी देखा था ASTC, तो A मतलब आल आर पॉजिटिव, S मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव आल आर निगेटिव, और T मतलब टेन एंड कॉट पॉजिटिव आल आर निगेटिव, तो T मतलब क्या हो गया आपका टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होंगे और रेस्ट जो चार है वो क्या होंगे निगेटिव होंगे, कौन रेस्ट चार हो गए साइन कॉस ठीक है और सेक कोसेक ये निगेटिव होंगे। खैर तो 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका निगेटिव होता है, जबकि कॉस क्या होता है ये भी निगेटिव होता है, लेकिन टेन क्या होता है पॉजिटिव होता है, और टेन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, ये भी निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया निगेटिव हो। अब दूसरी समस्या है कि फेस कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, फेस कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ नंबर होता है एंगल होता है उसको 90 से डिवाइड करते हैं, और जब 90 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे 3 प्रोड्यूस होने वाला है, और 3 क्या है ऑड है, तो ऑड सिचुएशन में फिर वही बात कन्वर्जन होगा, और कन्वर्जन होता है तो रूल फिक्स है साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हो सेक का, तो सेक का भी कन्वर्जन होगा क्योंकि यहाँ पे 270 है, 3 आएगा डिवाइड करने पे ऑड होगा, तो सेक कन्वर्ट होगा तो किस में जाएगा आपका सेक का कन्वर्जन कोसेक में होता है, कोसेक से। इसी तरह से आप रेस्ट ऑफ कर लोगे। यहाँ पे देखते हैं जो अब यहाँ क्या है 180 माइनस थीटा, तो पहले आप डिसाइड करिए 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, हालांकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं 180 का मतलब क्या हुआ ये कंप्लीट रोटेशन, यहां तक आप आ गए, लेकिन माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ थोड़ा सा रिटर्न बैक गए,
वो डिपेंड करता है थीटा पे। तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट है। और हम लोगों ने देखा था सेकेंड क्वाड्रेंट की हालत कि ये ए एस टी सी, एस एस मतलब क्या हुआ, साइन और इसका उल्टा कोसेक, तो एस फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कौन, कोसेक, ये सिर्फ पॉजिटिव होंगे और रेस्ट चारों क्या होंगे, निगेटिव। ठीक है, तो अगर साइन हम लोग फिलअप कर दें, चूंकि ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव होगा, कॉस निगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में वो रेस्ट फोर में आता है, ये भी रेस्ट फोर में आता है, ये भी रेस्ट फोर में आता है, लेकिन ये इसका रेसिप्रोकल है साइन का, पॉजिटिव होगा और ये रेस्ट फोर में आता है, निगेटिव होगा। अच्छा, कन्वर्जन होगा, फेस कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, फिर वही बात कि जो भी यहाँ एंगल हो उसको 90 से डिवाइड करिए, 90 से, तो क्या आने वाला है आपका, 2 आने वाला है, और 2 आपका क्या है, इवन है या ऑड है, 2 इवन है, और इवन है, ठीक है, तब कन्वर्जन नहीं होगा। इसका मतलब साइन बिकम साइन, ये साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ भी कन्वर्जन नहीं होगा, टेन ऑफ थीटा, ठीक, तो रेस्ट आप ऑफ कर लोगे। सिमिलरली आप यहाँ पे ट्राई करिएगा, ठीक, तो यहाँ पे जब आप ट्राई करोगे तो कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, पहले तो साइन देखते हैं। साइन के लिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, ये आपका 180 हुआ इतना, और प्लस थीटा मतलब थोड़ा और आगे जाइए, ये प्लस थीटा हो गया, इतना प्लस थीटा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 180 प्लस थीटा हो गया ये एंगल। तो क्वाड्रेंट डिसाइड करना है सिर्फ हमें, क्वाड्रेंट में क्या आ गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फिर से पढ़े ए एस टी सी, टी फॉर टैन, टी फॉर क्या हो गया आपका, टैन, टैन और कॉट, ठीक है, पॉजिटिव होगा और रेस्ट ऑफ आपका क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन, साइन यहां पे क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि टेन और कॉट से पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट फोर में आता है, ये भी निगेटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, निगेटिव, रेस्ट चार निगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव हो गए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक। अब कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, कन्वर्जन के लिए फिर वही बात कि आप इसको 90 से डिवाइड करिए, 90 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, 2 एक इवन नंबर है, तो ये कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि परिस्थिति ऑड नहीं है, इवन है, तो यहाँ पे साइन बना रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कॉट बना रहेगा, कॉट थीटा, तो रेस्ट ऑफ ऑफ खुद करिएगा। सिमिलरली 360 माइनस थीटा, तो पहले 360 माइनस थीटा डिसाइड करते हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे कि ये साइन क्या होगा। तो 360 ऑन द रेफरेंस लाइन से हम चलते हैं, ये पूरा ये 360 है, लेकिन अगर हम थोड़ा रिटर्न बैक हो जाए, कितना रिटर्न बैक हो जाए, थीटा रिटर्न बैक हो जाए, तो ये जो एंगल है आपका, ये यहाँ से ये वाला पूरा एंगल, ये कितना हुआ, ये एंगल आपका हुआ 360 माइनस थीटा, तो साफ साफ दिख रहा है कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से वही देखा जाए, ए एस टी सी, मतलब सी मतलब क्या हुआ, सी का मतलब हुआ कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो ये दोनों की किस्मत इस बार अच्छी है, ये दोनों कन्वर्जन इनका ये दोनों पॉजिटिव होंगे, आर पॉजिटिव, और रेस्ट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। तो हमने कह दिया चलिए साइन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, जाहिर सी बात है रेस्ट में आता है तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया आपका, टेन आपका क्या हो जाएगा, टेन आपका रेस्ट फोर में आता है, ये निगेटिव हो जाएगा, कॉट रेस्ट फोर में आता है, कोसेक रेस्ट फोर में आता है, सेक पॉजिटिव होगा। अब फेस चेंज होगा कि नहीं होगा, फिर 90 से डिवाइड करिए, जब 90 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है आपके पास, 4 आने वाला है, 4 इवन है या ऑड है, इवन है, अगर इवन है तब क्या होगा, फेस कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन साइन रहेगा, साइन थीटा, रेस्ट आप अपने से कर लोगे। सिमिलरली यहाँ पे 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा मतलब कि 360 का मतलब एक कंप्लीट आपने रिवोल्यूशन ले लिया है, और प्लस थीटा थोड़ा और आगे आ गया,
कुछ। तो फिर से आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, 360 प्लस थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबके सब पॉजिटिव होते हैं, ASTC सबके सब पॉजिटिव हो गए, मतलब ये भी पॉजिटिव, कोई भी 6 के 6 पॉजिटिव है। एक ही ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें 6 पॉजिटिव होते हैं, बाकी 3 क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव और 4 निगेटिव होते हैं, ठीक है। बाकी तीनों क्वाड्रेंट में कोई 2 पॉजिटिव होंगे और 4 निगेटिव होगा। तो लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें सबके सब पॉजिटिव होते हैं, जो हम 9 तक पढ़ते हैं, 9-10 तक पढ़ते हैं हम लोग, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ाया जाता है हमें, ठीक है। तो वहां पे साइन का चक्कर नहीं होता था, लेकिन अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, सारे एंगल के लिए जो पढ़ते हैं, तो वहां पे साइन हमें देखना पड़ता है। खैर, तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा हमने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा। अब 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करके ये चेक करेंगे कि फेस का कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। तो ये 4 आएगा, और 4 आपका क्या है, इवन नंबर है। 4 इवन नंबर है, इसका मतलब कि कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन नहीं होगा तो साइन साइन रहेगा, ये साइन थीटा, ठीक है। किसी को आप कर लोगे तो एक कॉट बना रहेगा, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक।